बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में और लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपने अध्याय 11 के तीसरे नंबर के पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीसरे नंबर के पार्ट में हमने अपने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है। आज की इस क्लास में वापस से मैं आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों आ जाइए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था उस मिशन का नाम क्या सर? इस मिशन का नाम है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सुंदर से टॉपिक का नाम क्या है सर? अध्याय 11 है और अध्याय 11 का नाम क्या है? ज्यामिति आकृतियों में समरूपता। यह होने वाला है भाग चार। क्या होने वाला है? भाग चार होने वाला है आज इस क्लास का। आज ये जो चैप्टर चल रहा था इस चैप्टर का आज जो है वो अंतिम क्लास होने वाला है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है तो चलिए डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन की ओर जाना चाहेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है आ जाओ देखो चलो पढ़ते हैं एक बार कि क्या दिया गया और क्या निकालना। बिल्कुल देखो तो बोला क्या गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें एडी अभिलंब है बीसी। सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। पूछा कब गया सर? पूछा गया 2018 सेट एबीसी, तीनों सेट में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगा कर इसको 5 स्टार आ जाओ। बिल्कुल देखो तो सर इसको हम लिखेंगे कैसे कि हमें पूरे में पूरा नंबर मिले। देखो मैं आपको लिखने का फॉर्मेट सिखाने वाला हूं। देखो सबसे पहले यहां पर लिखो हल। देखो बात किसकी कही गई है कि त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है सर? एक त्रिभुज है। तो फटाफट क्या बनाओगे आप? एक त्रिभुज बना लो। बिल्कुल त्रिभुज बनाना है हमें। देखो तो यहां पर मैं एक त्रिभुज बनाने जा रहा हूं। देखो यहां पर मैंने एक त्रिभुज अच्छे से प्यारा सा एक त्रिभुज बना लिया है। चलो इस त्रिभुज को नाम भी हमें दे दिया गया था। क्या नाम दिया था? ए बी हो चुका और ये हो चुका सर सी। बिल्कुल ये सी हो चुका। फिर क्या बोला गया था? जिसमें एडी यानी कि हम शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक अभिलंब डालेंगे। मैं क्या बोल रहा बच्चों कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक अभिलंब डालेंगे जिसका नाम होगा सर एडी। क्या नाम होगा? एडी नाम होने वाला। बिल्कुल यहां तक की कहानी सर अच्छे से क्लियर है। ये हो चुका डी। यहां तक की कहानी क्लियर तो आपका 20% काम हो चुका है। अब देखो जो जो हमें दिया गया था इसी बात को हम यहां पर सुरु लाल में लिखना पसंद करेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में, दिया है त्रिभुज एबीसी में कि एडी अभिलंब है। एडी अभिलंब है किस पर अभिलंब है? तो ये बीसी पर अभिलंब है। क्या बच्चों? बीसी पर अभिलंब है। और जब भी हम किसी भुजा पर अभिलंब डालते हैं तो हमें पता है कि सर 90 अंश का कोण बनता है। ये हो चुका 90 अंश का कोण। अब ये 90 है तो ये इधर का भी 90 अंश का कोण बनता है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को सर हम कहते हैं कर्ण। तो ये कर्ण होगा और ये भी कर्ण होगा। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है कर्ण वरना। अब यहां पर हमें पता है कि यहां पर थीटा कोण बनेगा। मान लेते कि यहां पर अज्ञात कोण थीटा बनेगा तो ये तो हमारा अभिलंब भी कहलाता है। हमारा लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और नीचे वाला ये हमारा हो जाएगा सर आधार हो जाएगा। तो आपको यहां पर दो समकोण त्रिभुज दिखने वाले। कितने बच्चों? दो समकोण त्रिभुज दिखने वाले। कौन कौन से? देखो चलो दोनों त्रिभुजों को ना मैं क्या करता हूं अलग अलग कलर में लेकर दिखाता हूं आपको। ये पहला हमारा त्रिभुज हुआ जो कि क्या है? ए डी। और ये हो चुका सर बी। ए डी बी ये हमारा पहला त्रिभुज हुआ सर। पहला हमारा ये क्या हो चुका? त्रिभुज हो चुका, समकोण त्रिभुज है ना। ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा समकोण त्रिभुज था ए डी और ये हो चुका सर हमारा सी। दो हमें समकोण त्रिभुज यहां पर दिखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा दोनों समकोण त्रिभुज पर एक एक कर बात करने वाला हूं। कैसे बात करूंगा? देखो आ जाओ देख लो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं जो मुझे सिद्ध करना ना उस बात को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। सिद्ध करना है। बिल्कुल सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों बताइए हमें क्या सिद्ध करना भाई? तो हमें सिद्ध करना सर कि ए बी स्क्वायर प्लस का फिर क्या है सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर इधर दिया गया है बी डी स्क्वायर तो चिपका बी डी स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया ए सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। बिल्कुल बहुत ईजी होने वाला। देखो अब देखो मैं जैसे कि आपको बताया था कि मैं दोनों त्रिभुजों पर दोनों समकोण त्रिभुज पर अलग अलग बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं? चलो ए डी बी में। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए डी बी में। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में हम क्या बात करेंगे? देखो
मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाला हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाने वाले हैं, ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले। देखो तो समकोण त्रिभुज एडीबी में ठीक है क्या हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है सर यहां पर एबी, मुझे दिख रहा है एबी, तो चिपकाओ एबी का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग। आधार क्या लेंगे यहां से, देखो बीसी को आधार नहीं मानेंगे क्योंकि हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, पहले नंबर के त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। तो यहां पर आधार क्या होगा, ये बीडी होगा, क्या होगा सर बीडी होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे बीडी स्क्वायर। फिर प्लस आता है किसका, लंब का वर्ग, तो लंब क्या है सर यहां पर ये देखो लंब है ये एडी, तो ये हो जाएगा एडी का वर्ग। बिल्कुल सर ये एडी का वर्ग आ चुका। चलो इसको देते हैं हम समीकरण नंबर एक, क्या दे दिए समीकरण नंबर एक दे दिए। अब उसी तरह से मैं दूसरे वाले समकोण त्रिभुज की बात करूंगा जो कि है एडीसी। चलिए इसको दूसरे स्लाइड में आपको बताता हूं, देखो आ जाओ बिल्कुल आ जाओ। देखो तो हम बात करेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज का नाम है एडीसी, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजा, अब कौन कौन सी दो भुजा बच जाती है, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहां पर मुझे तो दिख रहा सर ये एसी है, क्या है एसी, तो ये हो जाएगा सर एसी का वर्ग बराबर। फिर क्या होता है आधार का वर्ग, तो आधार यहां पर अब क्या होगा C से लेकर D तक की दूरी, यानी कि ये हो जाएगा CD का वर्ग प्लस है तो प्लस। फिर क्या होता है लंब का वर्ग होता है, अब यहां पर ये लंब लंब ही रहेगा AD, दोनों के लिए दोनों त्रिभुजों के लिए लंब जो है वो एक ही है, एक समान है AD है, तो यहां पर ये सर हो जाएगा AD स्क्वायर। बिल्कुल बिना किसी देरी के इसको दो समीकरण नंबर दो, दो समीकरण मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो सिद्ध करना है वो हमें मिल जाए। देखो तो यहां पर आपको सोचना है और रुकना थोड़ी देर और क्या करने वाला है इस पर हम विचार करते हैं। तो देखो बच्चों मैं क्या करूंगा बताया, मैं दोनों समीकरणों को घटा दूंगा, मैं समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देता हूं, देखो क्या मिलेगा इसका रिजल्ट हम अभी देखते हैं। देखो समीकरण एक में मैं समीकरण दो को घटाने जा रहा हूं, तो समीकरण एक ऋण दो से, अब घटता कैसे है तो समीकरण का एलएचएस एलएचएस के साथ और आरएचएस आरएचएस के साथ घटता है। तो समीकरण एक का एलएचएस क्या है, तो सर ये है देखो एबी स्क्वायर, तो चिपकाओ ये हो जाएगा एबी स्क्वायर, घटेगा किसके साथ समीकरण दो के एलएचएस के साथ जो कि हमें दिया गया एसी स्क्वायर। यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा ना सर। अब बारी आती है आरएचएस की, तो आरएचएस समीकरण एक का आरएचएस ये हमें दिया गया था, क्या दिया था बीडी स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर क्या था एडी स्क्वायर, ये हो जाएगा एडी स्क्वायर। अब देखो हमें घटाना समीकरण दो के आरएचएस को, अब घटाएंगे कैसे, देखो बच्चों समीकरण दो के दो जो आरएचएस है ना वो दोनों पद धनात्मक में है, दोनों पद क्या है धनात्मक में है, तो घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा प्लस माइनस में और ये वाला भी प्लस, ये हो जाएगा सर माइनस में, दोनों का चिन्ह बदल गया, जो प्लस में था वो दोनों अब माइनस में लिखा चुके। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है, ये प्लस का एडी स्क्वायर और ये माइनस का एडी स्क्वायर, मैं दोनों को निपटा दूं क्या, बिल्कुल निपटा दो सर निपटा दिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, हाँ बताओ क्या क्या बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब एक बार अपनी नजरों को कहां पर दौड़ाओ, आप दौड़ाओ जो हमें सिद्ध करना है सर, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो आ चुका, ए बी स्क्वायर तो नो डाउट आ चुका, अब यहां पर सर ये प्लस सी डी स्क्वायर कहां से आएगा, तो यहां पर देख लो माइनस सी डी स्क्वायर है, इसको इस साइड लाओ तो ये माइनस वाला इस साइड आकर आ चुका, प्लस में लिखा जाएगा, तो ये हो चुका सी डी स्क्वायर बराबर, जो हमें सिद्ध करना था उसका एक साइड एक पक्ष आ चुका है। फिर हमें सर सिद्ध करना था कि बीडी स्क्वायर, सर ये बीडी स्क्वायर, तो ये बीडी स्क्वायर भी था, ये बीडी स्क्वायर भी था, और क्या सिद्ध करना था, प्लस के साथ में था एसी स्क्वायर, अब ये एसी स्क्वायर कहां से आएगा, तो अभी भी ये देखो माइनस का एसी स्क्वायर बचा हुआ है, उसको उस साइड फेंको तो माइनस जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर। बिल्कुल अब जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका, बहुत इजी देख लो, बहुत इजी, तो जो हमें सिद्ध करना था वो बड़े आराम से आ चुका सर। बिल्कुल हमने प्रूफ कर दिखाया, हमने प्रूफ कर दिखा दिया कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पूछा कब गया था, पूछा गया था 2018 सेट एबीसी में चार नंबर के लिए पूछा गया था, एक पेज में आपका आंसर आ जाएगा, एक पेज में आपको चार नंबर दिलाने वाला है, चार मिनट और आपके चार नंबर पक्के होने वाला है। यही सिद्ध करना था, प्रूफ दैट, यही सिद्ध करना था, करना था। बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो आपको चार में से चार अंक दिलाने वाली। बिल्कुल देख लो
कहानी कंप्लीट हुई। चलो अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारे अध्याय का, हमारे इस क्लास का पूरी तरीके से लास्ट क्वेश्चन होने वाला। देखो चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आ जाओ। चलो क्या बोला गया इसको समझते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया गया 36:16 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना। बिल्कुल कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आओ यहां पर, आओ हॉल में। सर इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे कि पूरा में पूरा नंबर मिले? देखो बात की गई है दो समरूप त्रिभुजों के बारे में, तो हम यहां पर फटाफट क्या करेंगे पता है, दो त्रिभुज बना लेंगे, दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। देखो यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया और यहां पर भी मैंने एक त्रिभुज बना लिया। देखो दोनों क्या बच्चों, दोनों समरूप है। चलो दोनों त्रिभुजों को हम नाम भी दे देते हैं। ये है हमारा ए बी सी, पहला त्रिभुज हमारा हुआ सर ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज को हमने नाम दे दिया डी ई, और ये हमने दे दिया एफ। जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी डी ई एफ ही मानो, आप पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जो मन चाहे वो मान लो, ठीक है। चलो हमने ए बी सी और ये डी ई एफ दोनों को मान लिया, दोनों त्रिभुज है। फिर प्रश्न में क्या बोला था कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, तो इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे। देखो तो माना करके लिखेंगे, माना माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ये समरूप का मैंने चिन्ह लगाया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। अब यहां पर मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरम में आपने इसको प्रूफ भी किया होता, मैं थ्योरम वगैरह आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए हर चीजों को एकदम डीपली नहीं पढ़ सकते। अगर आपको लगता है कि सर मुझे एकदम डीप में पढ़ना है तो मैं बार बार बोलता हूं बच्चों कि आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैंने हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग आपको वीडियो दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लाइन बोलने वाला हूं, उस लाइन को अच्छे से सुनना। देखो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। सर ये आपने क्या बात कह दी, एक लाइन और बोलता हूं, एक बार और बोलता हूं। देखो मैंने क्या कहा है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह चीज आपको पता चल चुकी सर, बिल्कुल। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। देखो हमें पता है कि सर ये जो त्रिभुज एबीसी है ना और ये त्रिभुज डीईएफ है, दोनों क्या है, दोनों क्या है बच्चों, दोनों क्या है हमारा समरूप है। तो दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, तो अनुपात कैसे बनेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो हमने अनुपात में लिखकर डायरेक्टली क्या लिख दिया सर, बटा लिख दिया, एक लाइन बचा लिया। पहले अनुपात लिखते फिर बटा भी लिखते, तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया सर, यहां पर बटा लिख दिया। फिर यह हो जाएगा डीईएफ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब संगत भुजा किसको किसको लो, चलो हमने यहां पर ले लिया बीसी को, ले लिया किसको, ले लिया बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी का वर्ग बटे में आ जाएगा, इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी ईएफ, तो ये हो गया सर ईएफ का वर्ग हो जाएगा। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब देखो आ जाओ देखो, तो सर हमें पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात दिया गया था जो कि था 36:16। अब यहां पर अनुपात को हटाऊंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, अनुपात की जगह हम बटा भी लिख सकते हैं, तो 36/ लिखा जाएगा 16, 36/ सर ये हो चुका 16 बराबर, ये हो जाएगा बीसी का वर्ग बटे में आ जाएगा सर, ये हो गया ई एफ का वर्ग। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। तो देखो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग बराबर। हम यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों का वर्ग है तो यहां पर मैं पूरे का वर्ग लगा देता हूं, पहले ब्रैकेट लगाया और दोनों का वर्ग मैंने लगा दिया 2, होल स्क्वायर लगा दिया, मैंने दोनों के स्क्वायर को एक ही बार लगा दिया, कोष्टक में करके लिख लिया और एक वर्ग को एक ही बार लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्ग है वो ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है। सेम काम मैं यहां पर करने वाला हूं, 6 का भी वर्ग है और 4 का भी वर्ग है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको देखो 6/4 को मैंने लिखा, फिर दोनों का हम वर्ग लगा देंगे, पूरे का वर्ग लगा देंगे, होल स्क्वायर जिसे बोलते हैं, बराबर। देखो फिर क्या था, ये था बीसी, बीसी बटा ये था सर ईएफ, बीसी बटा ईएफ, पूरे की घात में लगा देना है 2। देखो
हमें तो भुजाओं का अनुपात निकालना ना, हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। यहां पर ये वर्ग क्या कर रहा है, ये दोनों वर्ग क्या कर रहा है, इसको हटाओ। तो इसको हटाएंगे कैसे, जब भी आपको वर्ग को हटाना होता है आप क्या करते हो, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हो। तो वर्गमूल लेने से फायदा क्या मिलता है, आप यहां पर लगाओगे वर्गमूल, यहां पर भी लगेगा वर्गमूल, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल जो आने वाला है और ये जो वर्ग पहले से बैठे हुआ है, वर्गमूल और वर्ग दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। तो आने वाला जो वर्गमूल है और ये जो पहले से वर्ग बैठा हुआ है, दोनों लड़ झगड़ कर समाप्त हो जाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो डायरेक्टली यहां पर मैं लिख सकता हूं 6/4। कैसे किया मैंने आपको समझा दिया है, इस बात को अच्छे से नोट डाउन करना कि जब भी हमें यहां पर वर्ग को हटाना रहेगा तो हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल और वर्ग दोनों कट जाते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मिले सर, मुझे मिल चुका है बीसी बटे में आ चुका है ये ईएफ, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 6/4 हो जाएगा। लास्ट टर्न बिल्कुल हम यहां पर अपने उत्तर को लिखेंगे। अतः संगत भुजाओं का अनुपात जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए पूछे, कभी कभी क्वेश्चन है बच्चों आपको 1 अंक के लिए भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली आप यहीं से इसका जवाब दे सकते थे, इसी का आप क्या निकाल लेते, स्क्वायर रूट निकाल लेते, वर्गमूल निकाल लेते, वही आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछा गया था 2017 में तो 1 नंबर के लिए ही इसको पूछा गया था, 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर के लिए पूछे तो पूरा आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो अतः संगत भुजाओं का अनुपात हमें मिला सर ये 6/4 है, ये सर हमारा फाइनल आंसर होने वाला है जो आपको पूरे में पूरे अंक दिलाने वाली है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैंने वापस से आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिया है। हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एकदम डीपली हर चीजों को नहीं पढ़ सकते। अगर किसी बच्चों को लग रहा है सर कि मुझे एकदम डीप में पढ़ना है, बहुत सी जानकारी आपसे लेना है, तो उन बच्चों को मैं कहता हूं कि आप हमारे ऐप को ज्वाइन कीजिए, अभिप्सा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर मैं आपको हर एक चीजों को एकदम विस्तार से पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा अपने न्यू चैप्टर पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।